हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कैक्टस की, किसी भी तरीके के कैक्टस आपके पास हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनको आप कैसे लगा सकते हैं। उनकी कटिंग तो नहीं कहेंगे, उनको डिवाइड करके या उनको तोड़ कर लगाया जाता है। तो मैं रिज़ल्ट के साथ वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने करीब करीब काफ़ी टाइम पहले कटिंग्स लगाई थी, यानी कि कैक्टस को डिवाइड करके तोड़ के लगाया था, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। वो भी आपको दिखाऊँगी कैसे लगाया था, कैसा सॉयल मिक्सचर आपको लेना है, साथ में उसका रिज़ल्ट अब आज की डेट में क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। टोटल ये रिज़ल्ट जो हम देखेंगे ये कितने दिन में आया है वो भी बताऊँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सॉयल मिक्सचर की। ये है परलाइट और ये है कोकोपीट। इसके अलावा हमने ली है, यहाँ पर परलाइट देखिए मोटी मोटी है। इसके अलावा कोयला लिया है, कोयला छोटा छोटा तोड़ लीजिएगा अगर आप लेकर आते हैं। और ये है कंपोस्ट। इसके अलावा हमें चाहिएगी रिवर सैंड। रिवर सैंड अगर आप ले रहे हैं तो कोकोपीट कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं अगर आप पानी में गड़बड़ करते हैं। अगर हल्का मिला भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है वही है, यही हमें लेनी है। इसके भी छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो नहीं निकालने हैं। तो ये सॉयल मिक्सचर हमें लेना है सारी चीज़ों का बराबर मात्रा में। अगर आपके पास ये सॉयल मिक्सचर नहीं है तो आप इसमें केवल रिवर सैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कुछ ना मिलाकर। तो अब लगाएंगे हम इनको। तो यहाँ पे जो आप पॉट देख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे छोटे साइज़ के जो पॉट होते हैं वो हैं, ये है बनी कैक्टस जो आते हैं, जो आपने देखा होगा बनी कैक्टस का एक पार्ट, और आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं बिल्कुल सूख चुका है। तो जो भी आप पार्ट लें कैक्टस को लगाने से पहले, उसको दो दिन ऐसे ही छोड़ दें प्लांट से, मदर प्लांट से तोड़ने के बाद। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सॉयल मिक्सचर में सिंपली जो सूखा हुआ हिस्सा, यानी दो दिन बाद वो हील हो जाएगा, उसको आप इस तरीके से नीचे वाले हिस्से को दबा देंगे मिट्टी में। तो ये काम आपको सिंपल करना है। आपका जो भी पार्ट है वो खड़ा रहना चाहिए, बार बार हिलना नहीं चाहिए। अगर ये पानी डालते वक्त या कुछ हवा से गिर जाएगा तो भी प्लांट रूटिंग जल्दी नहीं करता है। ये जो दूसरा ये आप देख रहे हैं, ये बनी कैक्टस के ही हैं। एक है गोल्डन वाला और एक है नॉर्मल वाला। इसमें मतलब जो इनके कांटे होते हैं, एक में गोल्डन कलर के हैं और एक में हल्के क्रीमिश कलर के हैं। तो ये भी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। ये देखिए सिंपल तरीका है। हमें दो दिन, जो पार्ट हम ले रहे हैं कैक्टस का, उसको दो दिन प्लांट से निकालने के बाद ऐसे ही छोड़ना है छायादार जगह पर। उसको ऐसे नहीं है कि आप तोड़ा और लगा दिया। हालांकि अगर आप सूखी मिट्टी में तोड़कर सीधा भी लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये काम आपको करना है इसकी कटिंग लगाते वक्त। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये वाला कैक्टस। इसको नोपाल, शायद नोपाल कैक्टस कहा जाता, हार्डी कैक्टस है ये, और कैक्टस की फैमिली में आता है। लेकिन इसमें कांटे ज़्यादा नहीं होते, ऐसे नहीं होते हैं कि जो चुभते हैं या बहुत हाथ लगते ही आपको लग जाएंगे, ऐसे नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए यहाँ पर हीलिंग हो गई है क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से इसे तोड़ कर रखा हुआ है। ये अभी आपके सामने तोड़ा है तो ये भी इसका लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट नहीं लगेगा, तो ये भी लग जाता है। हालांकि इसको काट कर सेंटर से अगर काट दें और फिर लगाएं तब भी हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसके चलने के चांस ज़्यादा रहते हैं जो हम जो जॉइंट होता है वहाँ से तोड़कर जब हम लगाते हैं। तो ये एक लॉन्ग कैक्टस है, इसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। यहाँ पर ये भी हम लगाएंगे। और यहाँ पर जो सॉयल मिक्सचर है ये सिंपल है, जिसमें रिवर सैंड कंपोस्ट मिली हुई है। अगर आपके पास कोयला या फिर कोकोपीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल रिवर सैंड में भी लगा सकते हैं। रिवर सैंड में हल्की फुल्की मिट्टी मिला लें और कंपोस्ट मिला लें, उसको सुखा लें, उसको गीला ना रखें ज़्यादा, और इस तरीके से आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो सिंपल रिवर सैंड का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा सकता है। ये देखिए मैं बिना परलाइट के, बिना कोयले की मिट्टी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। तो कैक्टस को आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये मैंने हील किए हुए हैं, यानी कि दो तीन दिन तक छोड़े हुए हैं, इसीलिए मिट्टी बिल्कुल सूखी भी है। तो मैं इसमें पानी अभी
डालूंगी क्योंकि पानी अभी देना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है गिरेंगे भी और सेटिंग मुझे नहीं पता लगेगी। तो इनको मैं लगाऊंगी और इसमें कांटे हैं दोस्तों, ये देखिए, बिना ग्लव्स के कभी भी आप ये काम ना करें। दूसरा ध्यान रखें कि अगर आप कैक्टस के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो अपने हाथों पर अच्छा सारा मॉइस्चराइज़र लगा लें, और जब आप गर्म पानी से हाथ धोएंगे तो छोटे मोटे कांटे जो उंगलियों में लग जाते हैं वो फटाफट से निकल जाएंगे। तो बनी कैक्टस अगर आपके पास है और कभी कभी आपको उसके कांटे लग जाते हैं तो ये काम किया कीजिए, मॉइस्चराइज़र अच्छा सारा लगा लें और गर्म पानी से हाथ धोएं उनमें काम करने के बाद। तो यहाँ पर ये वाले कैक्टस भी मैंने लगा कर आपको दिखा दिए हैं। अगर आपके पास कोयला वगैरह ऐसा नहीं है तो नॉर्मल रिवर सैंड का इस्तेमाल, थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो इस्तेमाल की जा सकती है, नहीं तो आप रिवर सैंड में कंपोस्ट मिलाएं 20% तक और लगाएं। ये देखिए, पानी इतना ही दें कि आपको लगे कि आधे पॉट तक पानी चला जाए, भले ही पूरा ना जाए लेकिन आधे गमले की मिट्टी जो है वो गीली हो जाए उतना पानी बहुत रहेगा, क्योंकि इतने ही ये अभी गए हैं मिट्टी में, उससे ज़्यादा नहीं गए हैं। और इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 1 घंटे की धूप लग जाए, उसके बाद पूरा दिन की छाया इन पर बनी रहे। तो इस बात का ध्यान रखना है, लोकेशन ऐसी चूज़ करनी है जहाँ पर इनको ज़्यादा धूप ना मिलकर बहुत तेज़ रोशनी मिले और 1 घंटे की धूप सुबह की लग जाए। पानी का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, पानी अब जैसे हमने अभी दिया है, नेक्स्ट वाटरिंग तभी होगी जब मिट्टी को सूखे हुए भी 10 दिन हो जाएंगे। 20 से 25 दिन में एक बार पानी दें, बहुत अच्छे से दें, ये प्लांट आराम से चलेंगे, पानी ही है जो इनको ख़राब करता है। तो दोस्तों ये रिज़ल्ट आपके सामने है और करीब करीब 45 दिन का रिज़ल्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और आज क्या 2 दिन से बारिश हो रही है, आपके एरिया में भी अगर बारिश हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिवाइड करके लगाए थे, डिवाइड करके भी आपको दिखा देती हूँ अभी कैसे लगाना। और यहाँ से एक कैक्टस जो है वो उठा ले गए कबूतर, तो आजकल कबूतरों का हमला चल रहा है मेरे गार्डन में। तो दोस्तों ये वो कैक्टस हैं जो मैंने आपको नवंबर में लगाकर दिखाए थे और करीब 45 दिन का रिज़ल्ट ये है। यहाँ पर मैं ये वाला ही निकाल के आपको दिखा देती हूँ, बनी कैक्टस वाला ही। बनी कैक्टस बहुत आराम से लगते हैं, ये देखिए, और इसमें मैंने हाथों पे क्रीम लगाई हुई है दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं टच, तो हाथों पे बहुत हैवी वाला मॉइस्चराइज़र लगाइए और फिर आप हाथों से इनको टच करेंगे और गर्म पानी से वॉश करेंगे तो ये जो इनके छोटे छोटे कांटे हैं वो आपके हाथों पर नहीं टिकेंगे, फटाफट से निकल जाएंगे। तो ये मैंने फ्री में आपको एक टिप दे दी है। तो चलिए देखिए रूटिंग इनकी दोस्तों, रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है। मैं एक बार और वॉश करके आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, ताकि आपको और देखिए, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद सी आपको नज़र आ रही है। तो 45 दिन के हिसाब से देखें तो रूटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। तो ये देखिए बहुत अच्छी रूट्स बनी हैं। आपको मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, 20 से 25 दिन में एक बार पानी देना है बस, या फिर आपको लगे कि प्लांट जो है थोड़ा सिकुड़ रहा है तब इसको पानी दें। और कई बार सवाल आता है मिट्टी के गमले का, प्लास्टिक के गमले का, तो आपने देखा सारे मैंने प्लास्टिक के गमले में ही लगा रखे हैं कैक्टस, तो ये मत सोचिए कि मिट्टी के गमले में रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी का ध्यान आपको रखना होता है। ये देखिए इसमें ऊपर से नई ग्रोथ आ गई है, तो ये लगभग सारे ही चल पड़े हैं। अगर 45 दिन तक ये ठीक हैं तो इसका मतलब रूटिंग इनमें हो गई है। तो दोस्तों अब बात करें मदर प्लांट से अलग करके लगाने की, तो ये देखिए ये वाला मैं अलग करके लगा के आपको दिखा देती हूँ। सिंपली इसको थोड़ा उल्टी तरफ खींचिए, ये टक करके निकल आएगा, और मदर प्लांट से निकालने के बाद सिंपल आप इसको मिट्टी में रख दीजिए। जितना आपका छोटी उंगली का नेल होता है लगा लीजिए, उतना आपको मिट्टी में इसको दबाना है। ज़्यादा मिट्टी में दबा देंगे तब भी हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से लगाना है, पानी का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे बाकी कैक्टस में, तो ये भी बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो मदर प्लांट से ऐसे अलग करके आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ईज़ली कैक्टस, किसी भी वैरायटी के कैक्टस को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है पानी और लाइट की। पानी कम दे दें लेकिन ज़्यादा ना दें, ये प्लांट खराब पानी के कारण ही सबसे पहले होता है।
महीने में एक बार अच्छे से पानी दें, फिर इसको रख दें, लेकिन लाइट अच्छी मिले, सर्दियों में धूप मिले, गर्मियों में इसको मॉर्निंग की धूप मिल जाए, उसके बाद ये पूरा दिन किसी कॉर्नर में, किसी ठंडी सी या जहाँ पर ज़्यादा लू ना लगती हो वहाँ पर रखा रहे, बहुत आराम से ग्रो करते रहेंगे। इस तरीके से आपको कहीं भी कोई भी कैक्टस मिले, आप अपने पड़ोसियों से या फिर आप नर्सरी जाते हैं तो उनसे बेबी प्लांट या छोटा सा प्लांट तोड़ कर ले आएं, या फिर उसकी कॉस्ट पे कर दें कि भाई मैंने छोटा सा पार्ट लिया है तो आप 10-15 रुपए ले लीजिए। तो इस तरीके से लेकर आइए और लगा लीजिए, इससे आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपके गार्डन में ये प्लांट हो भी जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।